My dear students, how are you? I think you are fine. After the long gap between us, why? Because the virus has spread throughout the world. We are unable to start the classes. So now the time came to start the online classes. So first I will give my introduction. My name is Yaqub Pasha. I am your Hindi teacher. Now, before going to the Varnamala, I will tell one example. To construct a building, what is needed? First of all, we lay the foundation. If the foundation is strong, we can build more and more floors on it. Yes or no? Like that only. To learn English, first we have to learn alphabets. What are the alphabets? You know, A to Z, they are there. So like that only, so with that alphabets you can frame words. With that words you can form a sentence. Like that, to learn Hindi we need Varnamala first. Varnamala is our basic. Understood? Varnamala kya hai hamara? Base hai, basic hai. इसलिए हम पहले वर्णमाला सीखेंगे. वर्णमाला में 49 वर्ण होते हैं. मीन्स 49 अल्फाबेट्स आर देयर. सो मैं एक बार हिंदी में इसको पढ़ूंगा. हिंदी भाषा में 49 वर्ण है. वे इस प्रकार हैं. हिंदी लैंग्वेज 49 alphabets are there. They are like this. What is the first one? Swar. Swar का मतलब हुआ vowels. अभी मैं ये आ से अहा तक 13 अक्षर होते थे, 13 वर्ण होते थे. तो पहले मैं इसको पढ़ूंगा. आप ध्यान से बोर्ड की ओर देखना. अब अ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ अं अहा. फिर एक बार दूसरी बार अ अ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ आओ अं आहा. फिर एक बार पढ़ता हूं. अगेन आई रीड. अ आ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ आओ अं आहा. अब इसके बाद मैं पूछूंगा ये क्या है, आपको बताना होगा. मैंने आस्क व्हाट इज दिस लेटर मींस, यू हैव टू टेल ये क्या है. ऊ सही है, बैठो. ये क्या है? आओ सही है, बैठो. ये क्या है? आई सही है, बैठो. ये क्या है? री सही है, बैठो. इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करना है. इतने के बाद आज हम इस क्लास में तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लासेस क्या कर रहे हैं? वर्णमाला ही पढ़ा रहे हैं. क्योंकि वर्णमाला आप भूल गए होंगे, फिर एक बार याद करने के लिए वर्णमाला को दोहराएंगे. बाद में बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी कक्षाओं को अलग अलग करके पार्ट पढ़ाया जाएगा. ठीक है. अब इससे पहले और हम ये इससे गाना भी गा सकते हैं. जैसे आप लोग अपने दादी और दादा से गाने, कहानियां सुने होंगे, उसी तरह आ से अहा तक एक गाना के रूप में
गा सकते हैं। अब मैं गाऊंगा, आप ध्यान से देखिए और सुनिए। अ अ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ अम अह। फिर एक बार बोलता हूं, अ अ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ अम अह। इस तरह गाना के रूप में गाते हुए आप बार बार प्रैक्टिस करिए, कि आपको जल्दी से आएगा। और इसके साथ मैं एक आपको वर्कशीट भी भेजा रहा हूँ, और कुछ आपको संदेह हो तो मुझे फोन कर सकते हैं, 6 और 7 के बीच में इवनिंग के टाइम, 6 to 7 तक आप फोन करने का मौका मिलेगा आपको। कुछ डाउट्स है, मेरा नंबर भी, सेल नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।